16 मार्च को त्रिग्रही योग का निर्माण बुध सूर्य और गुरु की तिकड़ी मीन में शुभ ग्रहों की पावरफुल युति किन राशियों के लिए चमत्कारी है त्रिग्रही योग त्रिग्रही योग में किन का फायदा किन का नुकसान देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार धर्मज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। 16 मार्च को त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। आपको बता दें कि बुध सूर्य और गुरु की युति बन रही है। आप देखिए इन ये तीन ग्रह शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं और ऐसे में इनकी जो युति है बड़ी ही शुभता लेकर आ रही है। और ऐसे में आज हम सबसे पहले मयंक जी से ये समझेंगे कि जब जब बुध गुरु और सूर्य एक साथ होते हैं तो इस युति का कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और 12 राशियों के लिए ये युति कितनी शुभ रहेगी ये भी हम जानेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी पहले इस त्रिग्रह योग के बारे में ज्योतिष अनुसार क्या कहती है, इसके पीछे की ज्योतिष गणना वो समझा दीजिए। देखिए सूर्य बुध और गुरु जब ये तीन शुभ ग्रह एक साथ आके बैठते हैं जी, पहली बात तो अगर किसी भी राशि में बैठेंगे तो शुभ फलों की वृद्धि करते हैं। सूर्य जो है आपका सामाजिक गतिविधि का कारक है, राजनीति का कारक है, या आप कहें कि काम कारोबार सरकारी नौकरी का कारक माना गया है, मान सम्मान का कारक माना गया है। सूर्य जब बुध के साथ बैठेंगे तो बुध आदित्य राजयोग बनाते हैं जी, और ये तो खैर हर महीने बनता है। और जो बुध आदित्य राजयोग में बच्चे पैदा होते हैं, जो लोग पैदा होते हैं उनके लिए योग विशेष लाभकारी हो जाता है। शिक्षा परीक्षा काम कारोबार राजनीति सरकारी नौकरी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही इस राजयोग को शुभ माना गया है जी। अब साथ में गुरु भी हैं, यानी गुरु ज्ञान के कारक हैं, और साथ ही साथ जब गुरु सूर्य की युति होती है तो व्यक्ति उच्च पद की प्राप्ति करता है। ऐसा मेरा अनुभव है ज्योतिष में कि मैंने जिन व्यक्ति की कुंडली में सूर्य बुध गुरु या बुध और गुरु या सूर्य और गुरु एक साथ देखे हैं वो व्यक्ति उच्च पद की प्राप्ति उनको हासिल होती है। चाहे वो आप बहुत अच्छे अभिनेता हों, राजनेता हों, प्रवक्ता हों, वक्ता हों, या प्रिंसिपल हों, शिक्षक हों, यानी ज्ञान के क्षेत्र में कोई भी धर्म शास्त्र ज्योतिष के क्षेत्र में वो लोग नाम कमाते हैं और उनका कार्य वाणी से संबंधित होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़रा कहना चाहिए इंटीट्यूटिव होते हैं, यानी कि उनको पहले ही पता चल जाता है कि भविष्य में क्या घटनाएं घटने वाली हैं। बहुत समझदार होते हैं और इनका जो शिक्षा भी है वो भी काफ़ी अच्छी देखी गई है और उच्च स्तर की होती है। यानी कि एक बहुत अच्छा राजयोग है सूर्य बुध गुरु जो एक साथ बैठते हैं तो धन लाभ भी होता है, सुख साधन भी बढ़ते हैं, मान सम्मान भी मिलता है, शिक्षा परीक्षा भी अच्छी रहती है, घर परिवार का सुख मिलता है, संतान का सुख मिलता है। और गुरु जो कि 5 चीज़ों का कारक है कुंडली में, सूर्य के साथ बैठ के वो सोने पे सुहागा है तो उस चीज़ की वृद्धि कर देते हैं। अगर कभी आपकी कुंडली में बुध और गुरु अस्त हो जाए तो शुभ फलों में थोड़ी बहुत कमी करते हैं, लेकिन फिर भी ये तीन ग्रहों की युति जो है गोचर में जब जब आती है तो हमने देखा है तो विशेष लाभ देती है। बिल्कुल, तो आइए हम राशि अनुसार जानेंगे मयंक जी से कि बुध गुरु सूर्य की ये त्रिग्रही योग की जो ये युति है, त्रिग्रही योग है, ये 12 की 12 राशियों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, किस तरह से आपके मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है, आपके धन धान्य में वृद्धि होने वाली है, अच्छा स्वास्थ्य भी आपका इस दौरान रहेगा और काम कारोबार में भी आपको कितनी तरक्की मिलेगी इस युति के दौरान, राशि अनुसार जान लेते हैं फटाफट से। मयंक जी मेष राशि के लिए कितनी शुभ है ये युति? देखिए मेष राशि के लिए ये सामान्य से भी थोड़ी सी कम रहेगी क्योंकि 12वें भाव में बनती है जी। और जब 12वें भाव में जहाँ बुध नीच के होंगे और गुरु स्वराशि के होंगे तो नीचभंग राजयोग भी बनेगा और साथ में सूर्य भी होगा, और सूर्य जो है यहाँ पर पंचम भाव के कारक है, यानी कि यहाँ पर क्या है कि अगर आपकी संतान की तरफ से कोई भी परेशानी थी तो वो दूर होगी। और यहाँ पर बुध जो है छठे भाव के कारक हैं, 12वें भाव में जाके नीच हो गए, नीचभंग राजयोग भी बना और विपरीत राजयोग भी बनेगा, जिसके कारण क्या रहेगा अचानक से धन लाभ की प्राप्ति हो जाएगी, काम कारोबार आपका अच्छा चलेगा, लेकिन मानसिक तनाव रहेगा, बीमारी कोई रह सकती है, सरकारी कार्यों में कोई गतिरोध या रुकावट आएगी, लापरवाही आप बिल्कुल ना करें अन्यथा आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो कुछ मामलों में लाभ है और कुछ मामलों में आपको थोड़ी सी दिक्कत या परेशानी रहेगी। वृषभ के लिए? इनके लिए सबसे बढ़िया है, देखिए लाभ स्थान में तीन ग्रहों का योग हुआ तो वृषभ राशि वालों के लिए चांदी ही चांदी है, धन लाभ बढ़ता चला जाएगा, काम कारोबार अच्छा चलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और यहाँ संतान सुख की भी प्राप्ति होगी, नए कार्य की शुरुआत करने के लिए बढ़िया समय है। मिथुन? मिथुन राशि वालों के लिए दशम भाव में ये राजयोग इनको उत्तम शुभ फल देने वाले हैं, कार्य क्षेत्र में नौकरी व्यवसाय में तरक्की होगी, धन लाभ की प्राप्ति होगी और सुख साधन बढ़ेंगे, कुल मिलाकर ये राजयोग आपको बड़ा ज़बरदस्त लाभ देगा। अगर आप राजनीति में हैं,
या सामाजिक गतिविधि में है तो उच्च पद की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर ये समय आपके जीवन में तरक्की करने का रहेगा मिथुन राशि वालों। चलिए आइए बात कर लेते हैं कर्क के बारे में। कर्क राशि वालों, भाग्य स्थान में ये योग बन रहा है, बहुत ही सुंदर है, क्योंकि कर्क राशि या कर्क लग्न में बृहस्पति जो है भाग्येश होते हैं और यहाँ सूर्य धन के स्वामी है, तो बहुत ही अच्छा ये राजयोग बनेगा। जब इस तरह के राजयोग कुंडली में बनते हैं तो विशेष लाभ मिलता है, सुख साधन बढ़ते हैं, भाग्य भी चमकता है, भाग्योदय भी होगा अगर आपकी आयु 28 वर्ष से ऊपर है। काम कारोबार के लिए बहुत अच्छा है ये, प्रमोशन, तरक्की, नई नौकरी के योग और धन लाभ भी मिलेगा। सिंह राशि वालों के अष्टम भाव में राजयोग बनेगा, थोड़ा कमजोर हो जाएगा, तो यहाँ पर इस राजयोग के बनने से आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान अपने आपको शारीरिक ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे, थोड़ी थकावट जल्दी रहेगी, खान पान पर संयम बरतें, नियमित रूप से अपने टेस्ट रूटीन टेस्ट कराएं बॉडी का, जिससे कि कोई परेशानी ना उभर आए। अगर कोई समस्या है तो उसका ट्रीटमेंट करें, लापरवाही ना करें। इस समय कार्य व्यवसाय में भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए और धन का कहीं निवेश ना करें। आइए जानते हैं कन्या के लिए। कन्या वालों के लिए बहुत ही अच्छा योग रहेगा, क्योंकि ये योग सप्तम भाव में बन रहा है। सप्तम भाव व्यापार का देखा गया है, जीवन साथी का है, काम कारोबार का है, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। लाभ होगा, सुख साधन बढ़ेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। तुला के लिए, तुला राशि वालों के लिए छठे भाव में योग बनेगा, तो छठे भाव में अगर देखें तो यहाँ पर गुप्त शत्रुओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी कार्यों में अड़चने आएंगी, क्योंकि हमने देखा है कि तुला राशि में छठे भाव में अगर जब ये योग बनता है तो कहीं ना कहीं उतना लाभ नहीं देता है जितना देना चाहिए, क्योंकि यहाँ सूर्य जो है 11वें भाव के कारक हैं और बृहस्पति यहाँ उतना शुभ करते नहीं है और बुध जो है भाग्येश है, तो कहीं ना कहीं रुकावटों के साथ आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। जो लोग बाहर विदेशों में रहते हैं उनको सफलता मिलेगी, उनका काम बनेगा, और जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं या जो छात्र पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए सुंदर समय है। अगर बात करें वृश्चिक के लिए तो इनके लिए कैसी है ये युति? वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार है, पंचम भाव में ये युति आपके सुख साधन बढ़ाएगी, संतान की तरक्की होगी और आपका भाग्योदय भी समय हो सकता है। कार्य व्यवसाय में विशेष आपको सफलता मिलेगी और जिसके कारण धन लाभ भी प्रचुर मात्रा में होगा। धनु राशि वालों के लिए ये योग बहुत ही सुंदर है, सोने में सुहागा है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जो है वो केंद्र में बैठे हैं और साथ साथ वहाँ पर अगर सूर्य भी बन जाए तो बहुत ही सुंदर राजयोग बनेगा। बुध बैठे हैं तो नीचभंग राजयोग का भी निर्माण है, जिसके कारण कार्य व्यवसाय मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपको आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। अगर आप घर लेना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए उत्तम है, या जो लोग इस समय नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो उनके लिए भी समय परफेक्ट रहेगा, क्योंकि आपकी 7.5 हट चुकी है। बात करें अगर मकर की तो इनके लिए कैसी रहेगी? मकर राशि वालों, ये आपका भाग्य साथ इस समय देगा, आप कोई भी काम अभी तक कर रहे थे, कोई अड़चने आ रही थी तो यहाँ वो समाप्त हो जाएंगी। सुख साधन अच्छे बने रहेंगे, किस्मत भी आपकी साथ दे रही है इस समय, मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी है, ज़रा सी भी लापरवाही ना करें, क्योंकि जो ग्रह स्थिति बन रही है राहु के कारण आपको मानसिक तनाव और लापरवाही आपके अंदर बच सकती है, उस चीज़ से आपको बचना चाहिए तो फिर आपके लिए अच्छा रहेगा। कुंभ के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए धन भाव में युति धन लाभ के अच्छे योग बनाएगी, सुख साधन बढ़ाएगी आपके और आपका स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। वाणी पर संयम रखें, क्योंकि अन्यथा तो बिगड़े बोल काम खराब करा सकते हैं आपके लिए, थोड़ा संभल कर चलना होगा और किसी कार्य में लापरवाही नहीं करनी है। मीन के लिए, मीन राशि वालों के लिए समय अगर हम देखें तो आप ही की राशि में ये योग बन रहा है, तीन ग्रह योग, ये काफ़ी अच्छा रहेगा, खासकर आपके नौकरी व्यवसाय के लिए जी, और धन लाभ के लिए भी अच्छा रहेगा। तो यानी बिजनेस नौकरी के लिए अच्छा है, करियर के लिए कोई दिक्कत नहीं, छात्रों के लिए समय और भी अच्छा है, वैवाहिक जीवन के लिए समय थोड़ा मिला जुला रहेगा, तो इसलिए वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें, क्योंकि भाई आपकी राशि में सूर्य भी रहेंगे तो तलखी रहेगी थोड़ी और वाणी में कठोरता बनी रहेगी, उस चीज को दूर करें अगर मीन राशि वाले तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर आप विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं, नए कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो कुंडली दिखाकर ही करें, क्योंकि 7.5 प्रारंभ हो चुकी है। अगर कुंडली में शनि की दशा है और शनि अनिष्ट फल दे रहे हैं तो फिर और भी समस्या रहेगी, तो बिना कुंडली मिलान करें कोई भी बड़े कार्य की शुरुआत ना करें मीन राशि वाले। चले तो ये थे मिस्टर मैंग जी, जिनसे मैंने जाना कि आपकी बुध गुरु और सूर्य की ये युति यानी कि आपका ये त्रिग्रही योग 12 की 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा इस बार। हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।